that India's youth has taken the nation to the top three in the world in terms of backbone of new India. And the dam build the new. Don't just our little chefs have proved this tagline by displaying in which they are showing their creativity and their innovative ideas. All are eagerly waiting and are very much excited to see the creativeness and the innovative ideas of our budding flowers. So I would request you, madam, for the inaugural ceremony of this startup fest. Please welcome, ma'am. अपनी इनकम उससे बढ़ा
निकालते हैं और उसको लार्ज स्केल पे ले जाते हैं, वो है स्टार्टअप। अब इसमें आपको तो रोज़गार मिलता ही है, इसके साथ साथ आप और भी बहुत से लोगों को अगर अपने साथ जोड़ते हैं तो उनको भी रोज़गार मिलता है। जैसे हम बड़ी सारी जगह देखते हैं आजकल कि ऑनलाइन शॉपिंग है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, या फूड डिलीवरीज है, स्विगी है, जोमैटो है। वॉट दीज कंपनीज दे आर डूइंग, दे हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल कि बहुत से लोग हैं वो काम करते हैं, खाना नहीं खुद बना सकते, शॉपिंग करती है लेकिन बाहर नहीं जा सकते। तो ये सारी कंपनीज एक प्लेटफॉर्म बना रही हैं, इन लोगों तक घर खाना पहुँचाती हैं, डिब्बा सिस्टम है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जैसे कार सर्विसेज हैं, ऊबर है, ओला क्या है, इन्होंने आइडियाज दिए, नए कॉन्सेप्ट दिए और उसको बड़े स्केल पे लाया ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए। सो इसी तरह हमारे यहाँ पे भी कॉलेज में बच्चे ने अपने टैलेंट को, अपने आइडियाज को एक इनोवेशन के साथ प्रस्तुत किया, अपनी प्रतिभा को जाहिर किया और बहुत से स्टॉल्स जो है वो लगाए। I would like to congratulate Dr. Naresh Sharma, who is the coordinator of ISC, Dr. Deepti, who is the head of the Department of Science, Dr. Poonam Sandhyal, who is coordinator of Propaganda, their team members, and especially the students who have worked hard and tirelessly to make this event a big success. And in future, we would also like to organize such events in which young entrepreneurs, they can showcase their talent and not hide it.